टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस पेपर के जो कलेक्शन किए जा रहे हैं, आई होप वी आर डूइंग वेरी वेल। आपको सब दिया जा रहा है एंड यू आर आल्सो डूइंग योर ऑन ड्यूटी। तो पहला ही वर्ड लिखा हुआ है बट इन। बट इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, किसी मामले में दखल देना। और सेकेंड लिखा है ब्रोक प्रीसियन हेड, तो PRISCIAN। ये हमारे 7th सेंचुरी के लैटिन ग्रामरियन है, उनका सर फोड़ना, मतलब यूज बैड ग्रामर, कहते ना इंग्लिश की टांग तोड़ दी। ओके, अब याद रहेगा। तो बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, मतलब अ गुड इन्वेंशन, एक अच्छा आविष्कार। फिर नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, मतलब ऑल एडवांटेजेस, दोनों की संसार के लिए अच्छा, यानी दोनों तरफ से या हर तरफ से अच्छा होना। क्लियर है। फिर नेक्स्ट लिखा है बी इन टू माइंड्स, मतलब दो मस्तिष्क का होना, दो विचारधारा में होना, यानी अनेबल टू डिसाइड। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है बी इन द रेड, तो बी इन द रेड का मतलब है टू बी इन डेट, कर्जे में होना। फिर नेक्स्ट है बी डाउन विथ, मतलब सफरिंग फ्रॉम, किसी चीज से पीड़ित होना। बी डाउन विथ फीवर, मतलब सफरिंग फ्रॉम फीवर। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है बार्क इज वर्स देन बाइट, मतलब थ्रीट इज वर्स देन द एक्शन टेकन, यानी अगर हमने कार्य किया तो वो ज्यादा बेटर होगा अपेक्षाकृत किसी को धमकाने से। कहने का आशय क्लियर है, गुड। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है बी अ डैब हैंड एट समथिंग, तो डैब हैंड का मतलब है हाथ गीला होना, मतलब स्किल्ड इन पर्टिकुलर एरिया, उस क्षेत्र पे आपका हाथ रवा है, आप उसमें एक्सपर्टीज रखते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है बीनीथ कॉन्टेम्प्ट तिरस्कार, तो मतलब है कंप्लीटली अनवर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, पूरी तरह से सम्मान के अयोग्य। फिर ब्रिंग अप करना, मतलब इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, विचार के लिए, बहस के लिए, चर्चा के लिए उस चीज को सामने लाना। फिर नेक्स्ट लिखा है बीट अ रिट्रीट, रिट्रीट मतलब कदम पीछे बढ़ाना, तो टू मार्च बैक आफ्टर अ सेरेमोनियस परेड। क्लियर है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है बैड बिजनेस, तो बैड बिजनेस मतलब उससे बहुत नुकसान होना या कोई भी लाभ ना होना, अनफॉर्चुनेट इवेंट। फिर बैंक ऑन का मतलब है किसी पर निर्भर होना। ध्यान रहे आपको करवाया जा चुका है EGG एग ऑन, तो एग ऑन का मतलब है बात पर बल देना और बैंक ऑन का मतलब है बात पर भरोसा करना। फिर लिखा है टू बी कट अबव, मतलब टू बी सुपीरियर, उस चीज से श्रेष्ठ होना। बिड फेयर, बिड फेयर मतलब उसके जैसा ही, सीम लाइकली, इसी प्रकार का, इसी तरह से। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्रीद डाउन द नेक, मतलब है ऑल द वॉच ऑल एक्शंस क्लोजली, सारे मैटर को, सारी चीजों को बहुत पास से देखना या देखने का प्रयास करना। क्लियर है, गुड। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है बी द थिन एंड ऑफ द वेज, मतलब वेज का बहुत कमजोर अंत होना, तो बिगिनिंग ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, किसी खतरनाक चीज की शुरुआत होना। डन, पॉज फॉर राइटिंग के लिए। फिर है कम टू अ हेड, कम टू अ हेड मतलब होता है रीच अ क्राइसिस, संकट होना। च्यू द कट मतलब किसी पर विचार करना। कैरी द कैन, कैन मतलब डंडा, तो कैरी द कैन मतलब एक्सेप्ट द ब्लेम, गलती को स्वीकार करना। फिर अगला लिखा हुआ है चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, मतलब चैप्टर एंड वर्स फॉर थिंग का मतलब है किसी भी मामले का पुख्ता सबूत देना। क्लियर हो रहा है। फिनिश लिखा हुआ है कॉल इट अ डे, तो कॉल इट अ डे मतलब उस चीज से संन्यास लेना, यानी गुड बाय टू एक्टिव लाइफ।
फिनेश लिखा है कॉल वंस सूट, तो कॉल वंस सूट का मतलब है टू शो डिटरमिनेशन, यानी आपने उस शॉट पर, सॉरी उस शॉट पर आपने अपना निर्णय दिया। और कट आइस, कट नो आइस, तो कट नो आइस का मतलब हैव नो इन्फ्लुएंस, उस पर आपका कोई प्रभाव ना पड़ना। और इसी तरह से प्रीवियस पेपर के कलेक्शंस और भी हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। आप इनको नोट कीजिए, याद कीजिए और मेमोराइज रखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।